सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी बुलेटिन। खालसा साधना दिवस से विसाखी के पवित्र मौके के उपर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों कौम दे नाल संदेश जारी किया गया, जिस विच उन्हां दे वल्लों सारिया संगतों नूं विसाखी की वधाई दी गई, खालसा साधना दिवस की वधाई दी गई। तो इस नाल ही पंजाब के हालातों के बारे उन्होंने वल्लों गल की गई, तो नाल ही गुरु साहिब के अशस्त्रां दे दर्शन संगतों नूं करवाए गए। इस नाल ही उन्होंने वल्लों कौम दे नाल एक संदेश जारी किया गया, जिस विच उन्होंने कहना सी कि खालसे का अंग है श्री साहब। उन्होंने कृपान के बारे गल करते, उन्होंने कृपान की महत्ता के बारे गलबात करते उन्होंने कहा कि श्री साहब खालसे का अंग है, इसकी सांभ संभाल करनी जरूरी है। इन्ना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जदों कोई जुल्म हुंदा, कोई जबर हुंदा, तो उसके खिलाफ कृपान की संयोग वरतों करनी चाहिए है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु साहब का संदेश है कि हरेक सिख नूं अपने घर के विच कृपान रखनी चाहिए है, तलवार रखनी चाहिए है। अजिहा संदेश जिहड़ा है, अजिही कौम दे नाल संदेश जिहड़ा है ज्ञानी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों दिता गया। इन्ना ही नहीं, उन्होंने वल्लों पंजाब के हालातों के बारे भी गलबात की गई। पंजाब के हालातों नूं लैके उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच पूरी अमन शांति है, पंजाब दे विच किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं है, पंजाब के हालात बिल्कुल ठीक ने। उन्होंने कहना सी कि किसी सूबे के हालात उदों विगड़ते हैं जो आपसी भाईचारे दे विच कोई मतभेद हो जाता है, खूनी झड़पां हो जांदियां ने, या फिर लोगों की सरकार के नाल टकराव की स्थिति हो जाती है, कोई खूनी झड़पां हो जांदियां ने जिस दौरान गोलियां चल जांदियां ने, तलवारा चल जांदियां ने। पर पंजाब दे विच कुछ अजिहा नहीं है, सूबे दे विच पूरी अमन शांति है। तुसीं लोग इत्थे बेपरवाह हो के आ सकते हो। पंजाब के हालातों के बारे गलबात की गई, उत्थे ही गुरु साहिब के वेले के जिहड़े शस्त्र ने वह भी संगतों को दिखाए गए, तो उन्होंने वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय के वेले जिहड़े शस्त्र ने वह भी संगतों को दिखाए गए। इस दे नाल ही उन्होंने वालों विसाखी ते खालसा साधना दिवस की वधाई जिहड़ी है कौम नूं दित्ती गई है, हरेक संगतों नूं जिहड़ी है दित्ती गई है। तो उत्थे दस दईए कि तख्त श्री दमदमा साहिब के विसाखी के खालसा साधना दिवस का समागम चल रहे हैं। दस दिए कि 12 अप्रैल तो 15 अप्रैल तक गुरमत समागम चलने से, जिसका ऐलान जथेदार वालों पहला ही कर दिता गया से, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अज विसाखी ते खालसा साधना दिवस के मौके के उपर उन्होंने वालों कौम दे नाल संदेश जारी किया गया, जिस उन्होंने वालों पंजाब के हालातों के बारे गलबात की गई, गुरु साहिब के वेले के शस्त्रां दे दर्शन जिहड़े संगतों को करवाए गए हैं, तो इस नाल ही कृपान की महत्ता जिहड़ी उन्होंने वालों सिख कौम को दसी गई है। इस संबंधी होर खबरां देखने लिए देखते रहो पंजाब बुलेटिन। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी बुलेटिन। खालसा साधना दिवस से विसाखी के पवित्र मौके के उपर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों कौम दे नाल संदेश जारी किया गया, जिस विच उन्होंने वल्लों सारिया संगतों नूं विसाखी की वधाई दी गई, खालसा साधना दिवस की वधाई दी गई। तो इस नाल ही पंजाब के हालातों के बारे उन्होंने वल्लों गल की गई, तो नाल ही गुरु साहिब के अशस्त्रां दे दर्शन संगतों नूं करवाए गए। इस नाल ही उन्होंने वल्लों कौम दे नाल एक संदेश जारी किया गया, जिस विच उन्होंने कहना सी कि खालसे का अंग है श्री साहब। उन्होंने कृपान के बारे गल करते, उन्होंने कृपान की महत्ता के बारे गलबात करते उन्होंने कहा कि श्री साहब खालसे का अंग है, इसकी सांभ संभाल करनी जरूरी है। इन्ना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जदों कोई जुल्म हुंदा, कोई जबर हुंदा, तो उसके खिलाफ कृपान की संयोग वरतों करनी चाहिए है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु साहिब का संदेश है कि हरेक सिख नूं अपने घर के विच कृपान रखनी चाहिए है, तलवार रखनी चाहिए है। अजिहा संदेश जिहड़ा है, अजिही कौम दे नाल संदेश जिहड़ा है ज्ञानी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों दिता गया। इन्ना ही नहीं, उन्होंने वल्लों पंजाब के हालातों के बारे भी गलबात की गई। पंजाब के हालातों नूं लैके उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच पूरी अमन शांति है, पंजाब दे विच किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं है, पंजाब के हालात बिल्कुल ठीक ने। उन्होंने कहना सी कि किसी सूबे के हालात उदों विगड़ते हैं जो आपसी भाईचारे दे विच कोई मतभेद हो जाता है, खूनी झड़पां हो जांदियां ने, या फिर लोगों की सरकार के नाल टकराव की स्थिति हो जाती है, कोई खूनी झड़पां हो जांदियां ने जिस दौरान गोलियां चल जांदियां ने, तलवारा चल जांदियां ने। पर पंजाब दे विच कुछ अजिहा नहीं है, सूबे दे विच पूरी अमन शांति है। तुसीं लोग इत्थे बेपरवाह हो के आ सकते हो। पंजाब के हालातों के बारे गलबात की गई, उत्थे ही गुरु साहिब के वेले के जिहड़े शस्त्र ने वह भी संगतों को दिखाए गए, तो उन्होंने वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय के वेले जिहड़े शस्त्र ने वह भी संगतों को दिखाए गए। इस दे नाल ही उन्होंने वालों विसाखी ते खालसा साधना दिवस की वधाई जिहड़ी है कौम नूं दित्ती गई है, हरेक संगतों नूं जिहड़ी है दित्ती गई है। तो उत्थे दस दईए कि तख्त श्री दमदमा साहिब के विसाखी के खालसा साधना दिवस का समागम चल रहे हैं। दस दिए कि 12 अप्रैल तो 15 अप्रैल तक गुरमत समागम चलने से, जिसका ऐलान जथेदार वालों पहला ही कर दिता गया से, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अज विसाखी ते खालसा साधना दिवस के मौके के उपर उन्होंने वालों कौम दे नाल संदेश जारी किया गया, जिस उन्होंने वालों पंजाब के हालातों के बारे गलबात की गई, गुरु साहिब के वेले के शस्त्रां दे दर्शन जिहड़े ने संगतों को करवाए गए हैं, तो इस दे नाल ही कृपान की महत्ता जिहड़ी है उन्होंने वालों सिख कौम नूं दसी गई है। इस संबंधी होर खबरां देखने लिए देखते रहो पंजाब बुलेटिन।